सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। किसान अंदोलन का 15वां दिन, किसानों को रोकने की सरहदों से दरिया च सख्त पैरा, बार्डर से पुलिस से मिलिट्री के सख्त बंदोबस्त। कोटपुरा गोलीकांड लैके अदालत पंजवां सप्लीमेंटरी चलान पेश, रिपोर्ट हुए हैरान करने वाले खुलासे। सुखबीर बादल ने डेरा प्रेमियों को खुश करने की रची सी साजिश, कहा पुलिस ने। बठिंडा एनआईए की रेड, पंजाब पुलिस की टीम नू नाल लेके पहुंची टीम। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। शंभू अते खनौरी सरहद ते किसान अपनियां मंगां नूं लैके अजे भी डटे हुए ने। ताज़ा खबर मुताबिक खनौरी सरहद ते अंदोलन दौरान एक होर किसान की मौत हो गई है। धरने दौरान पटियाला दे रहण वाले करनैल सिंह की सेहत विगड़ गई, हस्पताल च इलाज दौरान उन्हां दी मौत हो गई। 15 दिनों तो चल रहे अंदोलन दौरान यह 8वीं मौत है। इस विच 3 पुलिस मुलाजम भी शामिल ने। किसान दिल्ली जाण की कोशिश कर रहे हैं, पर हरियाणा पुलिस वालों सरहदां ते दरिया विच सख्त पहरा दे के उन्हां नूं रोक रख्या। कई बार पुलिस ते किसानां विचाले झड़पां भी हुई ने। इत्थे सब तो वड्डी हलचल 21 फरवरी नूं होई सी। अज दे दिन पंजाब दे नौजवान किसान शुभकरण सिंह दी मौत होई सी, जिस तों बाद किसान आगुआं ने दिल्ली वाल अपना मार्च 29 फरवरी तक मुलतवी कर दिता है। जिक्रयोग है कि इन्हां रस्तियां नूं हरियाणा सरकार वल्लों किसानां नूं दिल्ली जाण तों रोकण लई पूरी तरह बंद कर दिता गया। हरियाणा सरकार वल्लों किसानां नूं रोकण लई सरहदां ते बैरीकेड, सीमेंट दीआं कंधां ते किल ला के इन्हां नूं सील कीता गया, पर पिछले 2 दिनां तों सरकार वल्लों लोकां दी आवाजाई लई रस्ता खोल दिता गया। इस दे नाल मिलिट्री ते हरियाणा पुलिस अजे भी सरहदां ते सख्ती नाल पैरा दे रही है। खनौरी बार्डर से संयुक्त मोर्चे वालों चल रहे धरने से एक होर किसान की मौत होने की खबर है। जानकारी देंदे भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ब्लाक के जनरल सकत्तर कुलवंत सिंह शेरगढ़ ने दसिया कि इकाई अरनो खुर तहसील पात्रना जिला पटियाला के 64 साल करनैल सिंह पुत्र नहार सिंह 13 फरवरी तो ही खनौरी बार्डर से अपनी ड्यूटी दे रहा है। इस दौरान अथरू गैस के धुएं कारण सह लैण में दिक्कत हुई तो उन्होंने बीते दिन ही पात्रना के सरकारी हस्पताल च दाखिल करवाया गया। बाद में रजिंद्रा हस्पताल पटियाला विखे रैफर किया गया, पर सवेरे सह लैण में तकलीफ के चलते उन्होंने मौत हो गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी तो बाद वापरी कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जानकारी विशेष जांच टीम ने फरीदकोट की अदालत में 5वां सप्लीमेंटरी चलान पेश कर दिता है। इस चलान विच भी साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, साबका डीजीपी सुमेत सैनी, आईजी परमराज उमरा नंगल, साबका डीआईजी अमर सिंह चाहल, साबका एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा, तत्काली एसएसपी फरीदकोट सुखमिंदर मान खिलाफ सप्लीमेंटरी चलान पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 5वें चलान पेपर च पुलिस ने दोष लाया कि कोटपुरा गोलीकांड की साजिश साबका गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल ते पुलिस अधिकारी सुमेत सिंह सैनी ने रची सी। जांच टीम के 3 मैंबरां दे दस्तखतां हेठ तैयार की पड़ताल रिपोर्ट बीते दिन अदालत में पेश की गई सी। पंजाब हरियाणा सरहद ते बठिंडा जिले के कस्बा पिंड डूमवाली ते पथराला विखे एनआईए की टीम वालों रेड की गई। एनआईए वालों पंजाब पुलिस की टीम नूं नाल लैके रेड की गई। टीम वालों मैरिज पैलेस गुरविंदर सिंह बिट्टा वासी डूमवाली ते कारां दा कारोबार करन वाले बरिंदर सिंह वासी पथराला दे घर दिन चढ़न तो पहलां छापा मारिया गया। दोवें नौजवानों के घरां दी जांच की जा रही है ते पुछगिछ की जा रही है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕਲਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਦੇ SSP ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡੀਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨਅਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਇੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਲਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਨਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਰੈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨਟ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਨਫੈਕਟ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ MLR ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ SHO ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLR ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 12,000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 4th ਕਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਈ, 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਔਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 5,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 5,000 ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਫੀ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਕਰਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
जो इस बच्ची ने अपने घर जाके अपने परिवारक मैंबरों नूं दस्या ते उन्हां ने आके स्कूल विच हंगामा शुरू कर दिता। स्कूल के प्रिंसीपल वालों मौके की नजाकत नूं वेखदे हुए उस विद्यार्थी नूं स्कूल के कमरे में बंद कर दिता ते इसकी सूचना पुलिस प्रशासन नूं दित्ती। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच के किसी तरह स्थिति नूं शांत करवाए। इलाके के लोगों में इन्ना गुस्सा है कि उन्हां वल्लों उस लड़के के जो कि स्कूल के परिवारक मैंबरों का खोखा से उसकी बुरी तरह भंग तोड़ करके सारा समान नाल लगते गंदे नाले में सुट दिता। दूजे पासे लड़की के पीड़ित परिवार का कहना है कि उस लड़के उन्हां दे हवाले किया जाए, पर पुलिस वालों होर्स फोर्स मंगवा के लड़के नूं बड़ी मुश्किल नाल स्कूल विचों बाहर कढ़ के पुलिस थाने लिया गया। उत्थे पीड़ित परिवार ने प्रशासन कोलों इंसाफ की मांग की है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ACP वरिंदर खोसा ने दसिया है कि परिवारक मैंबरों के बयान के आधार पर जो भी बनती कार्रवाई होगी वह की जाएगी, तो लड़की का मैडिकल करवाया जाएगा। अज जी मजीठा रोड बाईपास से जो रत्रा पब्लिक स्कूल है उत्थे सानू 26 तरीक नूं 1 बजे करीब इनफॉर्मेशन मिली सी कि 5 साल की लड़की के नाल कोई दुष्कर्म होया वा। जिस तो बाद इत्थे असीं मौके ते आए हां, सब इंस्पैक्टर लेडी सब इंस्पैक्टर नूं बुलाया गया वा ते लड़की की स्टेटमेंट लिखी जा रही है। स्टेटमेंट दे विच जो कि उसने वालों दोष 16 साल के इस स्कूल के लड़के से लगाया जा रहा वा उसनों भी एपीएंड किया गया वा। जो भी स्टेटमेंट लड़की लिखवाती है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जी, लड़का भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है जिसकी उम्र करीब 16 साल है, वो 9th क्लास पढ़ता है। नहीं, CCTV हजे चेक कर रहे हैं, बट इंसीडेंट फ्राइडे दसिया जा रहा है, सो 3 दिन पुराना इंसीडेंट है। बिल्कुल जी, उन्होंने समझाया जा रहा है, कोई यह कोई गल नहीं है। जो भी लड़की की स्टेटमेंट होगी उसके मुताबिक सख्त कार्रवाई लड़के के खिलाफ की जा रही है। बिल्कुल जी, पर्चा दर्ज करने के बाद इमीडिएटली 24 घंटे मेडिकल करवाया। कुछ महीने पहला अमृतसर च दिवाली की रात थाना डी डिवीजन के नज़दीक जुए के पैसे लुट्टन की नीयत के नाल दो धिर विचाले खूब झड़प हुई सी। इस दौरान 20 तो 25 गोलियां भी चलिया सन, एक व्यक्ति की मौत भी हुई सी। इसे मामले के पुलिस ने हुण दो मुख मुलजमान गिरफ़्तार किया है। इस संबंध में DCP City डॉक्टर प्रग्या जैन ने दसिया कि इस मामले में अभी एक होर व्यक्ति भगौड़ा है, तो उसनों भी जल्द ही पुलिस गिरफ़्तार कर लवेगी। November 12-13 दिवाली की दरमियानी रात को एक सेंसेशनल क्राइम होया सी, जेच फायरिंग हुई सी ते एक बंदे दी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई सी। उस केस च ओदे रिगार्डिंग जड़ी FIR रजिस्टर हुई सी, वो FIR नंबर 132 डेटेड 13-11-23 अंडर सैक्शन 302 307 160 323 24 148 149 473 IPC ते 25-27 54-59 आर्म्स एक्ट वो रजिस्टर होया सी। से उसी केस जड़े दो मेन एक्यूज्ड सी जिन्हा हु वर एक्चुअली रिस्पोंसिबल फॉर द मर्डर, दे हैव बीन अरेस्टेड। एंड एदे इच आई वुड लाइक टू स्पेशली कमेंट ADCP 1 मैडम डॉक्टर दर्पण आलूवालिया, ACP सेंट्रल सुरेंद्र जी ते SHO डी डिविजन सुखविंदर जी, इन्हां दी टीम ने बहुत मेहनत करके दो एक्यूज्ड प्रमोद कुमार एलियास लाडी ते सिमरनजीत सिंह उर्फ सैमी इन्हां नूं अरेस्ट किया है। ते इहदे नाल नाल जिहड़ा वैपन ऑफ ऑफेंस है वह भी रिकवर किए गए ने। दो वैपनस पिस्टल 32 बोर जिहड़े हैंगे वह रिकवर किए गए ने। इहदी ही लड़ी च मैं तुहानूं दसना चाहवांगी कि जिहड़ा इंसीडेंट होया सी कटरा डुल्लो च, दोनों एक्यूज्ड लाडी ते सैमी इन्हां दे खिलाफ पहलां भी परचे रजिस्टर्ड ने। लाडी दे खिलाफ 7 FIRs रजिस्टर्ड ने, अमृतसर SBS नगर SSOC इस इन थानिया च FIRs ने, ते अंडर स्ट्रिंजेंट सैक्शन 323 NDPS आर्म्स एक्ट, यानी ये जड़ा प्रमोद कुमार एलियास लाडी है ये एक क्रॉनिक या हैबिचुअल ऑफेंडर आप कह सकते हैं। सो इट इज़ यू नो कमेंडेबल वर्क बाय द टीम। ते सिमरनजीत सिंह उर्फ सैमी ये खिलाफ भी पहला 2 FIRs रजिस्टर्ड ने, 307 ते 336। पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब वालों लैंड सीलिंग एक्ट तो वाधू जमीन बेजमीने मजदूर किसानों वंडाण, घर मकान लाल लकीर का मालकी हक दवा, दिहाड़ी 1000 रुपये करने, होर बुनियादी मुद्दों के हाल ही पिंड बलोचक तो मजदूर जोड़ो यात्रा शुरू की गई। यात्रा पिंड बलोचक तो शुरू होकर वक् वक् पिंड होंगी हुई पिंड तलवंडी सला च समाप्त हुई। इस मौके पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब यूथ विंग के सूबा आगू गुरप्रीत सिंह चीदा, तहसील आगू नावल गिल टाली ते बोधराज ने दोष लाया कि केंद्र की मोदी की अगवाई वाली हेठली भाजपा RSS ते पंजाब दी गरंटियां वाली सरकार लोगों नूं धर्म जातां च वंड रही है। उन्होंने कहा कि पेंडू मजदूरों नूं लामबंद करके मजदूर यूनियन पंजाब ते जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी वालों पंजाब भर में 11 मार्च नूं रेलां दा चक्का जाम किया जाएगा।
अमृतसर के गुरु बाजार में अणपछाते नौजवानों ने दुकानदार के सहायक लुट ले लुटेरे दुकान विचों लखां दा सोना लेके फरार हो गए। नाल ही दुकान ते काम करदे करिंदे दी बुरी तरह सड़क ते ले जाके कुटमार भी की गई। फिलहाल पुलिस वालों दुकानदार के बयान कलमबद्ध करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अमृतसर के दीनदयाल नगर वेरका कलोनी में एक 6 साल बच्ची की प्लास्टिक की ड्रैगन डोर की चपेट में आने नाल मौत हो गई है। मृतक बच्ची के परिवार ने दसिया कि वह अपने रिश्तेदार के घर तो मैट्रो बस ब्रिज से मोटरसाइकिल से अपने माता पिता नाल आ रही थी, जिसकी चाइना डोर नाल गला कट्टन नाल मौत हो गई है। परिवार का कहना है कि इस डोर से पूर्ण तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। उधर जम्मू के उधमपुर जिले के चेन्नई तहसील के करौली गंतवाली इलाके में टावरों का काम करते हुए 3 स्थानक नौजवानों की लाशा रहसमई हालत में बरामद हुई ने। 3 नौजवान एक निजी टावर कंपनी में बतौर चौकीदार वजों काम करते सन। स्थानक लोगों का कहना है कि हादसा टेंट में दम घुटन कारण वापरिया। फाजिलका के वार्ड नंबर 21 विखे सीवरेज के गंदे पानी कारण इलाकावासी काफ़ी परेशान सन। जो इसका पता आम आदमी पार्टी के वार्ड इंचार्ज बंटी सचदेवा लग्या तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। तो उन्होंने स्थानक नगर कौंसल फाजिलका के सफाई कर्मचारियों को सद के सीवरेज की समस्या का हल करवाया। स्थानक मोहल्ला वासियों ने इस कार्य की शलाघा की। हुण नज़र मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वाल। सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दिओ इजाजत। धन्यवाद।